गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वंस अगेन एक नए टॉपिक रिटेल एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आ रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है रिटेलिंग इन इंडिया एंड इट्स की चैलेंजेस। अगर मैं बात करूँ इंडियन रिटेलिंग की, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया था। बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को एक सामान लेना होता था तो वो क्या है, उसके बदले में दूसरी वस्तु का दान प्रदान करते थे। मतलब एक सामान, मुझे अगर मान लो चावल खरीदने हैं और मेरे पास जो है कपास की फसल है, तो मैं कपास उस व्यक्ति को दूंगा और चावल उससे ले लूंगा। इस तरह से ये सिस्टम चलता था। देन उसके बाद जो है करेंसी चलने लगी, मेटल की, सोने की अशरफियां, है ना, स्वर्ण मुद्राएं, फिर चांदी की, फिर तांबा पीतल, इस तरह से चलते चलते आज के डेट में हम करेंसी नोट और सिक्कों का यूज करते हैं कोई भी सामान परचेज करने के लिए। नाउ आज की डेट में जो रिटेल है, जैसे मैंने बताया कि ऑल द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम ए मार्केट, है ना, और उसमें क्या है जो सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया जाता है वो एंड यूजर तक रिटेलिंग में होता है। ये तो हमने डिस्कस किया था, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया हुआ है रिटेल सेक्टर को, दैट इज वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आज की डेट में भी रेडी वाले या स्ट्रीट हॉकर्स या मंडी, अनाज की मंडी, सब्जी मंडी, ये सारे क्या हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के पार्ट हैं। वेयर एज जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, रिटेल मार्केट जो है वो इंडिया में ग्रो कर रही है। अगर मैं बात करूँ रिटेलिंग इन इंडिया की, रिटेलिंग इन इंडिया नाउ इट इज क्या ट्रेंड चल रहा है रिटेलिंग इन इंडिया, अगर मैं बात करूं रिटेलिंग इन इंडिया में, आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है। आज की डेट में जो है हमारे पास सुपरमार्केट्स आ गई हैं और वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं सुपरमार्केट्स। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस डिजिटल है, है ना, रिलायंस ट्रेंड है फैशन वर्ल्ड में, पैंटालूंस है, इस तरह से ये मार्केट्स में कन्वीनियंस स्टोर्स हैं हमारे पास, मॉल्स बढ़ रहे हैं, है ना, पहले कहीं कहीं मॉल हुआ करते थे, है ना, देन जो है ये चीजें बढ़ने शुरू हुई हैं। अगर मैं बात करूं रिटेलिंग इन इंडिया की, तो ये ऑलमोस्ट 10 to 12 और 11% अकॉर्डिंग टू अलग अलग डाटा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 to 12% के बीच में ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऑलमोस्ट 8% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है रिटेल सेक्टर से आ रही है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं इंडिया के रिटेल सेक्टर के साइज की, तो टॉप फाइव में आज की डेट में टॉप फाइव में जो है इंडिया का प्लेस है रिटेलिंग में, है ना। अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है हमारा जो इंडिया में जो ग्रोथ है इसका रिटेल का, वो 22 to 25% तक इंक्रीज हुआ है ना। और अगर बात करें 2025 फाइनेंशियल ईयर, तो ये अप टू 25% तक इंक्रीज कर जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। पहले ये 690 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट थी, अब ये बढ़कर 2025 के लास्ट तक ये अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट हो जाएगी। अगर मैं रिटेल की बात करूँ तो नवंबर 2011 में ना ये जो था रिटेल जो था वो सिंगल हैंडेड चलता था, वन सिंगल। नाउ इट इज ये जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्रीज कर लिया है। जून 2012 में आइकिया ने 19 बिलियन डॉलर आइकिया ने स्टार्ट किया था रिटेल सेक्टर में अपना वो रखा था, कदम रखा था। सो 14 सितंबर 2012 को जो है एफडीआई इंटरव्यू फॉर एन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी,
और ये जो है बाय द एंड ऑफ 7 दिसंबर 2020 ट्वेल्व तक ये ऑलमोस्ट 50% 1% FDI जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया रिटेल मार्केट में। नाउ इट इज ये जो FDI काफी विरोध हुआ था इसका जब ये बिल पास हुआ था संसद में इंडिया के। सो ये FDI इंट्रोड्यूस होने के बाद आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी जो स्मॉलेस्ट सिटीज भी हैं उनमें भी ये मार्केट ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की मार्केट ग्रो कर रही है। अगर मैं इसके फॉर्मेट्स की बात करूं तो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कन्वीनियंस स्टोर है हमारे पास, मॉल्स, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट्स, है ना, फैक्ट्री आउटलेट्स, ठीक है, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल, ये डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स, ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए। नाउ जो अपकमिंग फॉर्मेट्स हैं, अपकमिंग फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें पॉपअप शॉप्स हैं। पॉपअप शॉप्स मतलब क्या है कि जो भी लेटेस्ट है, ये क्या है, टेम्परेरी, बेसिकली टेम्परेरी स्टाइल की रिटेल फॉर्मेट्स हैं जिसमें क्या है लेटेस्ट जो ट्रेंड का मटेरियल है वो कुछ टाइम के लिए एक स्टोर पे जो है सेल आउट किया जा रहा है ना, और ये टेम्परेरी है। जैसे ही वो खत्म हो जाता है स्टॉक या सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद वो शट डाउन हो जाती है वहां की शॉप और मार्केट। अगर मैं बात करूँ कियोस्क की, कियोस्क जो है प्लांट किए जा रहे हैं, तो कियोस्क में जाके ऑनलाइन जो है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सर्च किया जाता है पर्टिकुलर मार्केट में जाके, और अगर वो पीस अवेलेबल है तो देन इट्स गुड, उसमें इंफॉर्मेशन रहती है उस पर्टिकुलर स्टोर में, अदरवाइज क्या है आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। देन वी हैव ऑनलाइन मार्केट्स, आज की डेट में ई टेलिंग्स का एफिलिएट मार्केटिंग के जमाना चला हुआ है। सो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, ब्लिंकिट, इस तरह के जो है मार्केट जो है वो ग्रो कर रहे हैं और इस ग्रोइंग विद रैपिड फेस, ये बहुत ही रैपिड फेस के साथ। देन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ATM मशीन आपने देखी हैं, है ना, सो अबाउट अ डिस्पेंसर है जो कि पेमेंट के ऊपर ही चल चल रहे हैं। इस तरह से क्या है मार्केट, ऑर्डर एंड डिलीवरिंग, ऑर्डर एंड डिलीवरिंग की बात करें तो ऑर्डर एंड डिलीवरिंग में क्या हो रहा है, ऑर्डर एंड डिलीवरिंग में आप ऑर्डर करते हो तो किसी भी लोकेशंस पे आप ऑर्डर कर सकते हो, और वहाँ पे है ना जैसे जोमैटो, स्विगी, है ना, आप कहीं पे भी हो करो और उसको बता दो कि मुझे कांटेक्ट करना, तो आप कर सकते हैं। तो दीज आर द रिसेंट फॉर्मेट्स जो हैं ये डेवलप हो रहे हैं रिटेल में। जो इस तरह से ये मार्केट जो है डे बाई डे जो है वो जो है ऑर्गेनाइज की तरफ जा रही है, और आने वाले टाइम में ये कह सकते हैं इसका जो मार्केट शेयर है वो 25% तक इंक्रीज हो जाएगा। सी ठीक है, सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसकी की चैलेंजेस, की चैलेंजेस क्या हैं इसके। सो सबसे पहले हम करते हैं इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। अनऑर्गेनाइज तो हमारी एग्जिस्ट करती थी, अनऑर्गेनाइज मार्केट तो हमारी एग्जिस्ट करती थी, बट नाउ ये जैसे मॉडर्न मार्केट है तो इतनी जल्दी हम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से जैसे लोकल मार्केट में एक पर्सन का एक पर्सनल फीलिंग टच होता है, वो नहीं है इसमें। सो इमर्जिंग मार्केट है, सो ये भी अभी चैलेंज है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट जो न्यू वेंचर लेके आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रिस्क है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करें कहीं जो है हमारा लॉस ना हो जाए। देन पावरफुल कंज्यूमर, जो आज के टाइम का कंज्यूमर है वो बहुत महंगा। अभी हम जानते हैं कि अल्टीमेटली रिटेल का मतलब ये है कि सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द एंड यूजर एंड और कंज्यूमर, सो फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। सो जो कंज्यूमर है आज की डेट में वो बहुत पावरफुल है ना, कैसे है, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करता है प्रोडक्ट की, वो अपने फ्रेंड से सर्कुलेशन में या थ्रू प्रमोशन चैनल्स के थ्रू ये सर्च करता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं जो है ना उसको जो अच्छा लगता है, जो सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में करता है, तो वो चाहे वो ऑनलाइन मीडिया से हो चाहे ऑफलाइन मीडिया से हो। तो ये भी एक
जो है ना, आप इतनी आसानी से कस्टमर को, जो कंज्यूमर है उसको कन्विंस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से, क्योंकि कस्टमर को हो सकता है कि आपसे ज्यादा नॉलेज हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए है ना, बट ज्यादा नॉलेज होगी तो उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ऑब्वियस आपकी रिटेल में सेल्स नहीं हो पाएगी प्रॉपर वे से। दूसरा है ऑनलाइन रिटेलिंग। अब ऑनलाइन रिटेलिंग ने जो है पूरी मार्केट जो है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास वर्किंग फैमिलीज हैं, उनके पास टाइम नहीं है कोई खरीदारी करने का, तो ऑनलाइन वो जब मर्जी जब चाहे जो है एक्सपेक्टेड टाइम, QSR डेवलप हो चुके हैं है ना, आप जो है खाने का ऑर्डर कर सकते हो ऑन द स्पॉट है ना, सो आपको कितने भी बजे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऑर्डर कर सकते हो, और टाइमली वो डिलीवरी हो जाती है जिस भी लोकेशंस पे आपने पर्टिकुलर एड्रेस उसमें मेंशन किया होता है। सो ऑनलाइन रिटेलिंग के बढ़ने से जो ऑफलाइन रिटेलिंग है उसका चलन आने वाले टाइम में हो सकता है कि घट जाए, ठीक है। देन लोकेशन इशू कैन बी ए चैलेंज फॉर रिटेलिंग, ठीक है। सम टाइम हमारे पास जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए प्रॉपर लोकेशंस नहीं मिलती, तो इससे जो न्यू वेंचर लेके आ रहे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं इस लोकेशन पे अगर मैं इन्वेस्ट कर भी देता हूँ अपने प्रोडक्ट के रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है कस्टमर विजिट ना करें प्रॉपर वे से, तो इसलिए वो प्राइम लोकेशन ढूंढता है। जो प्राइम लोकेशन के चार्जेस हैं वो जो रेंट चार्जेस हैं या लीज चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर लोकेशंस। सो ये भी एक चैलेंज है कि अगर प्रॉपर लोकेट नहीं होगा तो मे बी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम जानते हैं सप्लाई चेन क्या है, मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होती है, देन बीच में होलसेलर्स आते हैं, देन होलसेलर से वो रिटेलर, देन कंज्यूमर। सो यहाँ पे एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है ना, जो जिसको इन चीज़ों की नॉलेज है वो प्रेडिक्ट कर सके कि इतनी रिक्वायरमेंट आने वाली है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की है ना, इसके बारे में नॉलेज रखता हो। तो ये भी अभी तक इंडियन रिटेलिंग में ये भी एक चैलेंज है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने वाला कोई तो पर्सन चाहिए। देन लैक ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने बताया कि अभी तक ये 8 to 10% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बट ये सारे प्रोसेस जो एक रिटेलिंग की प्रोसेस है, फ्रॉम जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर थ्रू होलसेलर और रिटेल कस्टमर तक, तो उनको हैंडल, हर चैनल मेंबर्स को हैंडल करने के एक स्किलफुल पर्सन की रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसमें सम क्वालिटीज हों, कुछ उसके कह सकते हैं उसमें कुछ क्वालिटीज उसको, क्योंकि पर्टिकुलर एरियाज में उसकी एक्सपर्टीज हो। तो ये इंडियन मार्केट में अभी ये अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड पर्सन इतने ज़्यादा हैं, नो डाउट हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। सो लैक ऑफ स्किल की वजह से भी कहीं ना कहीं एक रिटेलर जो है ये सोचता है कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं मैं घाटे का सौदा ना हो जाए मेरे लिए, है ना, मेरी इन्वेस्टमेंट मनी जो है वो सारी की सारी बर्न ना हो जाए। सो इसलिए लैक ऑफ स्किल जो है मार्केट में प्रॉपर वे से स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। देन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, 7th इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, आज की डेट में कस्टमर जो है वो किंग है मार्केट का। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करना जानना इतना इजी नहीं है, है ना, हो सकता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट ना हो जितना कि कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया है। सो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना ये भी टफ होता जा रहा है, बिकॉज कस्टमर जो है आज के डेट में पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो सभी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट लेने आ रहा है रिटेल स्टोर पे उसकी नॉलेज रखता है, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत मायने रखती है, जो कि आज की डेट में एक चैलेंज भी है कस्टमर को इजीली सेटिस्फाई करना। देन रैशनल प्रमोशनल प्रोग्राम्स, रैशनल प्रोग्राम्स
प्रमोशनल प्रोग्राम, प्रमोशनल प्रोग्राम से मतलब है कूपन, डिस्काउंट्स, ऑफर, रिवार्ड, है ना। सो ये क्या है, रेंडमली एक ही तरह के जो ऑफर्स या प्रमोशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं। अब ये जो कह सकते हैं कि ऑफर्स, डिस्काउंट, ये जो प्रमोशनल प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, ये हमेशा ही एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं। सो आप लॉन्ग टर्म में आप एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कस्टमर को लॉयल बनाना, कस्टमर को रिटेन करके रखना अपने पर्टिकुलर स्टोर के ब्रांड्स के लिए, ये आज की डेट में बहुत मुश्किल हो रखा है। बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसा प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं जो बिल्कुल यूनिक हो, आपके प्रोडक्ट को, आपके स्टोर को दूसरों से अलग करता हो, आइडेंटिफाई करता हो। तो इस तरह से भी ये भी एक चैलेंज बन गया है कि आप एक कस्टमर को किस तरह से जो कन्विंस करेंगे और वो, ताकि वो रिटेन रहे कस्टमर, है ना, लॉयल बने आपके स्टोर के ब्रांड के लिए। देन कंडक्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स, नेक्स्ट इज जो नाइन्थ है, कंडक्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। कंडक्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो नाइन्थ प्रोग्राम चैलेंज है, कंडक्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब लॉयल्टी प्रोग्राम्स में हमारे पास रिटेल सेक्टर में डिफरेंट काइंड के लॉयल्टी प्रोग्राम्स आ गए, मे बी आप अवेयर भी होंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए जैसे आपको जो है मेंबरशिप दे दी जाती है, या रिवॉर्ड परचेज पे रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसको आप रिडीम करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, ये कैश बैक ऑफर्स हैं। सो ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है प्रोडक्ट आपके मार्केट का, सो कस्टमर जो है लॉयल नहीं रहेगा। उसको जहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील होगी, जिसमें बताया था कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पे, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील होगी वो वहीं पे जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर लॉयल्टी प्रोग्राम हैं, है ना, ये कंडक्ट तो किए जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर को लॉयल बना सके, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो सकती हैं। आपके स्टोर की एक्सपेक्टेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल वो कुछ और हैं। आप उनको रिकमेंड जरूर करते हो, मगर जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ये भी आज की डेट में एक चैलेंज है कि कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है, कस्टमर को रिटेन कैसे करके रखना है। सो दीज आर द नाइन चैलेंजेस की चैलेंज इन इंडियन रिटेल इंडस्ट्री, दैट इज इमर्जिंग मार्केट है ये, दूसरा पावरफुल कंज्यूमर है, ऑनलाइन रिटेलिंग है, लोकेशन इश्यूज हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है का इशू है, प्रॉपर वे से मैनेज नहीं हो रही है, लैक ऑफ स्किल्स हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, रैशनल प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।